democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then insaniyat was not there because they put everyone behind bars. कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं। क्लब हाउस चैट करके वो बुरी तरह फंस गए हैं। क्लब हाउस चैट के दौरान आर्टिकल 370 पर बयान को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है। क्लब हाउस चैट का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले पर अपना जवाब दिया। इस ऑडियो में दिग्विजय ने कहा कि यहां से जब धारा 370 हटाई गई तब लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं किया गया। इस दौरान ना ही इंसानियत का तकाजा रखा गया और इसमें कश्मीरियत भी नहीं थी। सभी को कालकोठरी में बंद कर दिया गया। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो हम इस पर फैसला कर फिर से विचार करेंगे और धारा 370 लागू करेंगे। सुनिए। डेमोक्रेसी वॉज नॉट देयर इन कश्मीर व्हेन दे रिवोक्ड आर्टिकल 370। देन इंसानियत वॉज नॉट देयर बिकॉज दे पुट एवरीवन बिहाइंड बार्स एंड कश्मीरियत इज समथिंग व्हिच is basically the fundamentals of secularism, because in a Muslim majority state there was a Hindu Raja and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of JNK is extremely, I would say, sad decision. And the Congress party would certainly have to have a re-look on this issue. Thank you. Thank you so much. Thank you, Shazib. Next speaker is, Nyanesh. Nyanesh, please ask your question. Thank you so much. दरअसल दिग्विजय सिंह देश विदेश के कुछ पत्रकारों से वर्चुअली बात कर रहे थे। इस दौरान शाहजेब जिल्लानी धारा 370 से जुड़ा एक सवाल कांग्रेस महासचिव से पूछ बैठे। दावा किया जा रहा है कि जिल्लानी एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं। जिल्लानी ने पूछा था कि जब मौजूदा सरकार जाती है और भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा प्रधानमंत्री मिल जाता है तो कश्मीर पर आगे का रास्ता क्या होगा। इस सवाल के बाद दिग्विजय ने आर्टिकल 370 पर अपना जवाब दिया और विवादों में घिर गए। न्यूज डेस्क।